नमस्कार, न्यूज इंडिया पर पीएचएच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों के साथ, और सबसे पहले बात पंजाब की होगी। जालंधर में पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा की अगुवाई में सीआईए की टीम ने आपको बता दें कि एमपी से अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 देसी पिस्तौल, 32 बोर सहित 10 मैगजीन भी बरामद करी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलप्रीत सिंह उर्फ दिल गुरदासपुर और अजीत पाल सिंह, जो कि गुरदासपुर के रहने वाले, उनके तौर पर हुई है। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया है कि डीसीपी इन्वेस्टिगेशन हरविंदर विर्क, एसीपी इन्वेस्टिगेशन परमजीत सिंह की अगुवाई में सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार की टीम ने लिंक रोड पर नाकाबंदी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी इन्वेस्टिगेशन दे सुपरविजन से दो मुंडे गिरफ्तार किए हैं। फतेहगढ़ चूड़ियां दे रहने वाले 21 साल दे ते 23 साल दे मुंडे दिलप्रीत ते अजीत पाल, पहला कोई परचा नहीं है ना। ए गन रनिंग दा एक रैकेट जेड़ा है वो बस्ट होया। 10 वेपन्स जेड़े हैं वो रिकवर होए हैं इन्हां दे पोजीशन से। ए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है ते इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से यह आया है कि कुछ अजनाला साइड ते अमृतसर साइड ते एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कुछ जेल च भी बंद हैं, उन्हां दे लिए काम करते सीगे। कई बार ये भी सीगा कि इन्होंने खुद भी बेचने सीगे ते उन्हां दे थ्रू भी अगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी गीतांशु सेजवाल हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। गीतांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? पहले दर्शकों को बताइए मामला एग्जैक्टली क्या था पूरा। जी पूजा, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि काफी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि अवैध हथियार जो है पंजाब पे लाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश से ये जो है सप्लाई सारी हो रही है, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीए इंचार्ज की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें कि डीसीपी इन्वेस्टिगेशन हरविंदर सिंह विर्क और एसीपी इन्वेस्टिगेशन परमिंदर सुरेंद्र शर्मा जो है सीए इंचार्ज, उन्होंने मिलकर एक नाका लगाया जहां पर लिंक रोड पर एक असम को आते हुए देखा गया। उनकी तलाशी ली गई जहां पर उनके पास से 10 अवैध हथियार, 0.32 बोर का एक पिस्तौल और 10 मैगजीन भी बरामद किए गए। ये लोग जो है पहले इंदौर जाते थे और इंदौर से जो है बस में बैठकर आते थे, वहां पर सप्लाई करते थे हथियार। और जो जानकारी पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने दी है वह ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि लगभग 20-25 हजार में ये हथियार लाकर जो है 70-80 हजार में सप्लाई करते थे पर हथियार। ये पूछो, मौजूदा समय में क्या पुलिस की तरफ से और जगहों पर दबिश भी दी जा रही है क्या? मुझे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है ये जो दो गुरदासपुर निवासी आरोपी हैं, पकड़े गए हैं, इनके तार जो है अजनाला अमृतसर रोड से जुड़े हुए हैं, जिन गैंग्स के लिए काम करते थे, वहां पर भी छापेमारी लगातार जारी है और वहां पर भी काफी कार्रवाइयां आज की गई हैं, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और आगे भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है इनके लिंक्स जो जुड़ते जाएंगे वहां पर ये कार्रवाई करते जाएंगे। पुलिस की एक बड़ा नेटवर्क तोड़ने की जो मुहिम है वह शुरू हो चुकी है और तार जो है अमृतसर से जुड़े थे वहां पर भी कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पठानकोट में स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध खनन करते समय पुलिस ने दो अलग अलग जगहों से 4 पोकलैंड मशीनें और 3 टिप्पर जब्त किए हैं। आपको बताते चलें कि पठानकोट पुलिस अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही क्रशर मालिकों को भी पुलिस ने नामजद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए ग्राउंड ओ का रुख करते हैं। प्रिंस गर्ग हमारे साथ संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रिंस, क्या कुछ अपडेट है? 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पूरे मामले में और क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी, अवैध खनन मामले में बात की जाए तो पठानकोट पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इसी दौरान जब दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, वहीं छापेमारी के दौरान 4 पोकलैंड मशीनें और 3 जो टिप्पर है वो जब्त किए गए हैं और साथ ही इसके साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, दो अलग अलग जगहों पर क्रेशर के साथ गिरफ्तार किए हैं और वहीं साथ में जो क्रेशर के मालिक है उनका नाम भी नामजद किया गया, लेकिन अब तक वो फरार है।
जो क्रेशर का मालिक है, लेकिन जल्दी ही पंजाब पुलिस की तरफ से, पठानकोट पुलिस की तरफ से ये दावा है कि उसको पकड़ लिया जाएगा। और वहीं जो एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लो पठानकोट से हैं, उन्होंने ये बताया कि जो पठानकोट पुलिस है इस कार्रवाई को लेकर पूरी कठिन है, अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई कार्रवाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, अगर आगे भी ऐसा कोई देखा जाता है, पाया जाता है ऐसी कोई अवैध खनन मामले में, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और साथ ही जो और अलग जगह है उन पर भी छापेमारी जारी है, पुलिस की पूरी निगाह है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब के अमृतसर में एक्साइज विभाग के सूत्रों से बड़ी खबर मिली है, अमृतसर के मनवासल से भारी तादाद में देशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने छापेमारी में 2900 किलो देसी लहन जब्त की है, साथ ही अवैध तरल पदार्थ 7500 मिलीलीटर बड़ी तादाद में जब्त हुआ है। पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच में जुटी हुई है। आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा अभी भी फरार बताया जा रहा है। ये सीक्रेट इनफॉर्मेशन मिली सी जिस ते एक्साइज डिपार्टमेंट नू नाल लै के रेड की गई जसवंत सिंह जी काके दे घर, जिस दे घर तो 2900 के जी लाण ते एक पट्ठी ते 7500 मिलीलीटर जिहड़ी शराब बरामद की है। ते सुखविंदर सिंह सानो सुखा एलिया सुखा सानो जसवंत सिंह ते केस रजिस्टर करके 223 नंबर ते इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल भगौड़े ने इन्हों जल्दी तो जल्दी अरेस्ट करके पेश अदालत किया जाए। मोगा पुलिस ने अवैध नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद हुई है। तो वही मामले में जानकारी देते हुए मोगा एसपी डी अजय राज सिंह ने बताया कि पंजाब के सीएम और डीजीपी के आदेश के अनुसार पंजाब में नशा तस्करी को रोकने के लिए पंजाब पुलिस हर तरह का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सीआईए स्टाफ मोगा की ओर से मोगा जिले के गांव समालसर में नाकाबंदी की गई और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के दौरान शक होने पर जोगिंदर सिंह, जो कि समालसर गांव के ही रहने वाले हैं, उसकी जांच की गई तो उसके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जिस पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर को हरियाणा लोक सेवा आयोग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में डॉक्टर सोनिया त्रिखा को पद, निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पलवल में सदर थाना क्षेत्र के गांव रायदा सका में 36 साल के युवक सुंदर सिंह की हत्या हुई। मृतक सुंदर सिंह का शव घर के पास ही संदिग्ध अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया और मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक पट्टी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वीना, क्या कुछ अपडेट है? मामला पहले बताइए दर्शकों को क्या था। वीना की आवाज को प्लीज थोड़ा सा क्लियर करें, मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूं। जी पूजा, पूजा सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है वीना, आप कंप्लीट। जी पूजा, ये पवल का गांव रायदास का है, जहां पर कुलवीर निवासी ने बताया है कि रात को 11 बजे उसका भाई सुंदर, जो कि 36 वर्षीय है, और खाना पीना खाने के बाद रात को 11 बजे पशुओं के बाड़े में सोने के लिए गया था, जिसमें टीन लगे हुए थे। और उसकी जो बेटी है और उसके जो दो बेटे हैं, वो दोनों 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अपनी माँ के साथ सोने के लिए कमरे के अंदर चले गए। और जैसे ही रात को 1 घंटा बीतता है तो 12 बजे के आसपास सुंदर पत्नी को एक आवाज सुनाई देती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
जैसे ही उसकी पत्नी पशु बाड़े के दरवाजे के पास जाती है तो वो अपने पति सुंदर को लहू लुहान देखती है और शोर मचाना शुरू कर दी। इसके चलते घर के बाकी के परिजन और आसपास के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसमें साफ दिखाई ये दे रहा था कि कहीं ना कहीं सुंदर को बहुत बुरा से पीटा गया है। उसके सिर पर घाव थे, उसे गला दबाने की कोशिश की गई थी, जिससे में उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो सुंदर को मृत घोषित कर दिया गया था। बड़ी बात यह रही, इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जैसे ही कहीं ना कहीं जो भी सुंदर की जान लेना चाहते उसके पर हमला करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं इंतजार रहे थे कि कब सुंदर सोने के लिए पशु बाड़े में आएगा और की हत्या का अंजाम दिया जाएगा। कहीं ना कहीं 11-12 बजने की देर थी और सुंदर को वीना क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आपसी रंजिश की स्मेल आप देख पा रही हैं? क्या पुलिस से आपका कम्युनिकेशन हुआ है क्या इस मामले में? जी पूजा, बिल्कुल कहीं ना कहीं रंजिश जरूर सामने आ रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 11 बजे के बाद जैसे ही सुंदर सोने के लिए पशुओं के बाड़े में गया जहां पर टीम लगी हुई थी और एक घंटे के बीचों बीच ही सुंदर की हत्या कर दी जाती, इसमें कहीं ना कहीं एक रंजिश मामला सामने आ रहा है, क्योंकि सुंदर का जैसे इंतजार हो रहा हो तरह से जैसे ही सुंदर आए तो एक घंटे के बाद जैसे ही परिजन लोग पहुंच जाए और सुंदर को हत्या के घाट उतार दिया जाए, वही उसे साफ जाहिर हो रहा है कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने यही कहा है कहीं ना कहीं रंजन ये हादसा हुआ है, रंजन ही सुंदर को मौत के घाट उतारा गया, पुलिस ने कोई जांच कर रही है। जी पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर समालखा क्षेत्र के मछरौली गांव के पास थार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं सड़क हादसे में बाइक पर सवार तीसरा युवक घायल बताया जा रहा है। दरअसल तीनों युवक बाइक पर सवार होकर करहंस गांव से करनाल की तरफ जा रहे थे, इसी बीच बाइक को तेज रफ्तार थार गाड़ी ने टक्कर मार दी जिसमें दो की मौत हो गई और एक युवक जख्मी हो गया। तो थार वाले ने पता नहीं किसी हिसाब से कट मारा, हम तीनों भैया हम गांव में जा रहे थे करस, तो करस से हम आ रहे थे मछरौली रोड की बात है यार, तो जैसे गौरव बाइक चला रहा था, मेरा भाई पीछे बैठा था और मैं सबसे पीछे था। ठीक, तो जैसे पुलिया पार करी ना वो पुल के नीचे वाली, हाँ। वो आगे गड्डी जा रही थी थार। ठीक, तो अपना गौरव ने चल रहे थे जी, उसकी साइड वो थोड़ी साइड में आगे होगी उसके थार के साइड मान दो, तो थार वाले ने पता नहीं किसी हिसाब से कट मारा, हम तो तीनों रोड पर हो गए जी। हाँ, समालखा के गांव मछरौली में जीटी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, जो बाइक पर लोग जा रहे थे तो उसको थार वाले ने टक्कर मार दी जिससे दो लोगों की मौत हो गई, तो परिजनों के बयान के आधार पर उनकी जो कार्रवाई है कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे और उनके जो डेड बॉडी है उनके वारसान के हवाले की जाएगी, और जो व्हीकल है जिसने एक्सीडेंट किया है उसको भी तलाश करके उसके ड्राइवर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अम्बाला का जिक्र करते हैं। अम्बाला जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक भाई ने चाकू से गला रेत कर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपनी 28 साल की बहन पर चाकू से करीबन 30 बार वार किया और उसका गला रेत दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से रफू चक्कर हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये आरोपी है, इसने रात अपनी बहन का मर्डर किया, भाई ने इसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज है। हमें सूचना मिली थी कि जो इस हत्या का वांछित अभियुक्त है वो साइड में घूम रहा है, तो हमने इसको वहाँ से हिरासत में लिया। कारण इसने बताया है, उन कारणों पे हम जांच करेंगे। प्रारंभिक जो पूछताछ है, प्रारंभिक से ये उस ग्रुप का नाम अपने आप को सोशल मीडिया पे चमकाने की नीयत से ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये कोई इतने बड़े अपराधी गैंग से। यमुनानगर खेत में टावर लगाने को लेकर विवाद हुआ, फिर किसान और पुलिस सामने सामने हो गई। 12 फीट गहरे गड्ढे में उतरे किसान ने नारेबाजी शुरू कर दी। टावर लगाने के विरोध में किसानों ने नारेबाजी की है। बिजली विभाग के अधिकारी भाग खड़े हुए। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको इस वक्त की।
तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। टावर लगाने के विरोध में किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। और विरोध जताने के लिए किसान 12 फीट गहरे गड्ढे में उतर आए। खबर यमुनानगर की, जहां पर टावर लगाने का विरोध करते हुए किसान 12 फीट गहरे गड्ढे में उतर आए हैं और उन्होंने जमकर नारेबाजी करी। पानीपत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने शिरकत करी। इस दौरान संजय भाटिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। भारत को 2047 में विकसित करने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को आमजन के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए एक संकल्प यात्रा हमारी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी मेहनत से, हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और मैं समझता हूँ गांव का छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर उपस्थित था। एक मन में जोश था और एक विश्वास था मोदी जी के लिए कि मोदी जी जिस तरह से इस हिंदुस्तान को इतना ताकतवर देश बनाया है और जो उनका सपना है कि जैसे ही देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो 2047 में हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, उस संकल्प के साथ आज इस यात्रा का ओडवाल माजरी के अंदर काफ़ी लोगों ने दिल से स्वागत भी किया और संकल्प भी। गढ़ी त्याग ज्ञान में कार्यक्रम है और पानीपत में सुताना अभी भादड़ में कार्यक्रम हुए और दोपहर बाद सुताना में कार्यक्रम। हमारे गांव में संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और आज हमारे बीच CTM साहब पहुंच चुके हैं और मैडम जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुंचने वाली है और यहां पर आज खुले दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें जिस किसी की भी कोई समस्या है उसका मौके पर ही समाधान किया जाएगा और आज सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ अधिकारी पहुँच चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? आज हमारे गांव में हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें अपने कार्य करवाने के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज अधिकारी हमारे पास कार्य कर। तरन तारण में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा के गांव डल में फिर से ड्रोन मिला है, जिसे BSF और पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि BSF और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के तहत उन्हें सूचना मिली कि गांव डल के खेतों में ड्रोन पकड़ा गया है, जिसे कब्जे में ले लिया गया। ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ DJ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਰੋਨ ਆ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 10-11-12 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंघ से लेकर BJP का लक्ष्य हर बार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना रहा। ऐसा वातावरण तैयार होने के बाद जो निर्णय लिया गया, उससे 72 साल पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से की गई गंभीर चूक को सुधारा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को टेढ़ी नजर से देखने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा।
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को सिरे चढ़ाने की नींव रखी है। 5 अगस्त 2019 को देश की आजादी के बाद सबसे पहले शानदार दिन और जनता के निर्णय के सम्मान के दिन के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। तो पीएचएच में खबरों का सफर यहीं तक। वो बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।